أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فعن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال:

प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इंतहाई अज़ीम हदीस मैंने पढ़कर सुनाई है इस हदीस को हज़रत हुदैफा खुदा ऱील् तन ने रिवायत किया और ऐसे ही उसके साथ साथ हजरत रजी अल्लाह तहु से भी यह हदीस मरवी है मुस्नद बज़ार मुस्तदरक हाकिम और इमाम तबरानी ने अपनी मज़म के अंदर मज्जम औसत के अंदर और इनके अलावा दीगर अहल इल्म ने भी इस हदीस को अल्फाज के फर्क के साथ रिवायत किया है इस हदीस में नबी सलासलाम ने जो बात बताई है वो ये फरमाया आपने कि खैरुद्दीन कुम अलवार तुम्हारे दीन का सबसे अच्छा दर्जा परहेजगारी है हम खैर उन्नास का तस्करा कर रहे हैं लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे लोगों का तस्करा कर रहे हैं उसके मुताबिक इस हदीस का मफहूम कुछ यूं होता है कि तुम में से दीनदार लोगों में से सबसे ज्यादा दीनदार वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है अलवरा किसको कहते हैं परहेजगारी किसको कहते हैं इस्लामी शरीयत की नजर में आदमी परहेज करने वाला बचने वाला बनकर जिंदगी गुजारे किन चीजों से बचेगा एक तरफ तो वो चीजें हैं जिनका गलत होना जिनका हराम होना नाजायज होना शिरक होना बिदात होना गुना होना वाजह है उनसे तो बचेगा ही और उससे आगे बढ़कर जो चीजें मक़रूह के दर्जे में होती नापसंदीदगी के दर्जे में होती हैं या जो चीजें इन बुराइयों तक शिरक तक ले जा सकती हैं या फिर बिदात तक ले जा सकती हैं, या गुनाहों तक ले जा सकती हैं उन चीजों से भी परहेज करने वाला जो बंदा होता है ऐसे परहेज करने वाले बंदे को कहते हैं, ऐसे परहेज करने वाले बंदे को परहेजगार बंदा कहते हैं प्यारे नबी हदीस में जो बात बताई है वो ये कि तुम्हारे दीन का सबसे बेहतर दर्जा ये है कि तुम्हारे अंदर परहेजगारी हो दूसरे अल्फाज में दीनदारी का सबसे आला मार ये है कि आदमी के अंदर परहेजगारी हो आप इबादत खूब करते हो आप नफिल काम बहुत करते हो आप सदका व खैर करते हो आपकी जिंदगी में जिक्रदार बहुत है ये सब कुछ अच्छाइयाँ हैं लेकिन आपके दीन का असल कमाल ये है कि इन अच्छाइयों के साथ साथ एक बड़ी सिफत कि आप परहेजगार बनकर जिंदगी गुजारें परहेजगारी क्या है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस में नबी अलैहि नबीत वसलाम ने इस मसले को हम और आपको समझाया अगर हम और आप इन अहादीस को जहन में रखेंगे तो परहेजगारी का मफहम हमें बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई हजरत नुमान इब्ने बशीर रज़ियल्लाहु अल्लाह तु रिवायत फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनोब अल्लाह के नबी सल्ह वसलम ने कहा कि हलाल बिल्कुल वाज है और हराम भी बिल्कुल वाजह है इसका मतलब ये हुआ कि हलाल वाज है तो उसकी इख्तियार करने में किसी किस्म का तरद नहीं होना चाहिए यहाँ परहेजगारी नहीं जो चीज़ वाज हल है वह हलाल है यहाँ तकवा और परहेजगारी नहीं कि मुझे जरा शक है नहीं मुझे शुबा है नहीं यह परहेजगारी नहीं बस औकात लोग परहेजगारी के नाम पे गुलू का शिकार हो जाते हैं तो क्या करते हैं हलाल चीजों के सिलसिले में भी तरद करने लगते हैं हलाल चीजों के सिलसिले में भी बचने का मुजाहरा करने लगते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे जरा दिल में जो है कुछ शुबा आ गया नहीं मैं परहेज कर रहा हूं इस्लामी शरीयत की नजर में यह परहेजगारी परहेजगारी नहीं अलहला जिस चीज़ का हलाल होना जायज़ होना बिल्कुल वाजे है उस चीज़ के सिलसिले में किसी किस्म का तरद नहीं और आपके दिल में पैदा होने वाले वसवसे ख़ का कोई एतबार नहीं जब शरीयत इस्लामिया ने उसे हलाल कहा तो बात ख़त्म दूसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने कही वाल हराम व्य नराम भी बिल्कुल वाज है अल्लाह के नबी ने कुरान में अहादीस में वाज तौर पर बताया कि फ़लाँ फलाँ फलाँ चीज़ें हराम है शराब हराम है जुआ हराम है सूद हराम है कत्ल हराम है जीना हराम है मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों का तस्करा करते हुए बताया कि यह हराम है तो हराम है हराम वाजें परहेजगारी का सबसे बुनियादी दर्जा यह कि जुमला हराम चीजों से आदमी परहेज करे उनसे रुक जाए यह है वरा यह है परहेजगारी और उसके बाद अल्लाह के नबी साहब ने बड़ी अहम बात बयान फरमाई आपने फरमाया वाबई ना मैं वाबई ना हो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हलालों हराम के, हलाल के दरमियान जरा मुश्तबक किस्म की होती हैं कि लायल मुहून नकतीरुम मिन्नस कि उनको जरा शुभा होता है कि ये हलाल है कि हराम है लामी की वजह से या मसले की बारीकी मालूम ना होने की वजह से या मसला तो मसले के तौर पर मालूम है लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही वो पूरी तरीके से वाज होकर नहीं आ रही है उसमें शुबह की गुंजाइश मौजूद है तो क्या है ये मुशतब है हलाल हराम के दरमियान ये मुशतबा चीज है फमन तक का जो आदमी ऐसे मुशतब चीजों से बच जाता है फकदीन ही व इर्द तो अपनी इज्जत भी बचा ले जाता है वह अपना दीन भी बचा ले जाता है काफिल शुबहत ही व काफिल हराम और जो शुबहात की ऐसे मुशतब चीजों में मुबतला होता है तो वह अक्सर हराम में मुबतला हो ही जाता है इस हदीस ने हमारे और आपके सामने जो जाबा दिया है वह बहुत आसान सा जाबा है वो क्या है कि जिस चीज के सिलसिले में हमारे सामने कोई वाज मौकफ ना हो हमें वाज तालीम मालूम ना हो कि ये हलाल है तो आदमी ये ना कहे भाई हराम भी तो नहीं मालूम है चलो कर लेते हैं बहुत सारे लोगों के सामने कई मसाइल ऐसे हुए शहर बंगलोर के अंदर आप खुद जानते हैं तिजारत के हवाले से बहुत सारे मसाइल ऐसे भी आए कि लोगों के सामने ये बात रखी गई कि ये चीजें कम अज कम मुशतबा हैं तो आप इससे परहेज करें तो लोगों ने कहा ये हलाल नहीं तो फिर हराम भी तो नहीं है चलो हम कर लेते हैं परहेजगारी यह है कि जिस चीज के बारे में शुभ भी अगर हो वाकई मानों में माकुल शुब हो जिसके शुभ मुश्तब होने की बुनियाद हो तो फिर आदमी वहां कुल्ली तौर पर परहेज करे यह परहेजगारी है नबी अलीसलाम ने कहा खैरुदीन कुम अलवारा तुम्हारे दीन का सबसे बेहतर दर्जा यह है कि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आए पैर नबी सल्लासम ने

नेकी अखलाक का नाम है हर एक के साथ बेहतर सुलूक करो ये नेकी वल और गुना वो बात के जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे खटके तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि लोगों को इसका पता ना चले तो समझ जाओ कि ये गुना है इसका मतलब यह हुआ कि जिस चीज के जिस काम के करते हुए आपके दिल में खटक पैदा हो और आप चाहें कि लोगों को पता न चले तो इसका मतलब यह हुआ कि परहेजगारी यह है कि आप ऐसी चीज से भी दूर हो जाए ऐसी चीज से भी आप अपने आप को दूर ले जाएं ये परहेजगारी है नबी अलीतलाम ने इस दूसरी हदीस के अंदर परहेजगारी का एक दूसरा दर्जा एक दूसरा जाबिता नबी अलीतलाम ने मुझको और आपको दिया है� प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं आपके सामने एक तीसरी हदीस भी नकल करता हूं जो परहेजगारी का एक और दर्जा हमारे और आपके सामने रखती है वो क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यानी आदमी के इस्लाम की अच्छाई इसमें है कि आदमी उन चीजों को छोड़ दे जिनसे आदमी का कुछ लेना देना नहीं है आपसे गैर मुत्ल चीज है कोई आपसे ना आप उसके जिम्मेदार हैं ना आपको उसके सिलसिले में हिसाब देना है आप ला ताल्लुक हैं तो ला ताल्लुक रखिए हर मसले में टांग अड़ाने की सिफत यह परहेजगारी के खिलाफ हर मामले में दखल देने की आदत यह परहेजगारी के खिलाफ है परहेजगारी यह है कि आपसे जो मामला मुतालिक नहीं आप उससे दूर रहिए आप अपने आप को अपने मामला का फिक्रमंद बना के रखिए पड़ोस के मामला बस्ती के मामला फलां के घर में क्या हुआ फलां की खातून का क्या मामला है किस आदमी का किसके साथ चक्कर है किस आदमी का तिजारत में क्या हो रहा है किस आदमी का अपने घर में किसके साथ झगड़ा है पता नहीं समाज के कितने बे ऐसे मामलात हैं जिनका हमसे कुछ लेना देना नहीं हम खाम उसमें जाके दखल दर माकूल से काम लेते हैं खाम अपने आप को उसमें दाखिल करते हैं यह परहेजगारी के खिलाफ है परहेजगारी यह है कि जो मामला आपसे जुड़ा नहीं है उस मामले से ला रही है आप आपको उससे कुछ लेना देना नहीं आप दखल ना दीजिए सुनना सुनाना नकल करना लोगों में कहना सुना तुमने का ये मामला फुला आपको पता चला कि ऐसा हुआ किसने कहा आपसे कि इन सब चीजों में दखल दें परहेजगारी का एक दर्जा यह भी है कि यानी चीजों से आदमी परहेज करे हाजी ने गिरामी पहले नबी वसल्लम ने उन्ना समाज के सबसे बेहतर लोगों के जो दर्जे बयान किए उनमें से एक नाम उन लोगों का भी आया है जो लोग परहेजगार होते हैं और परहेजगारी परहेजगार होने का मतलब यह है कि हमने मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने रखा कि एक तरफ तो जो चीजें हराम है उनसे कुल्ली इजतनाब कुल्ली तौर पर परहेज करना रुक जाना और दूसरी तरफ जो चीजें मुश्तबा होती हैं उनसे भी रुक जाना और तीसरी तरफ जो चीजें इनके तक वसीला जरिया बन सकती हैं आदमी उनसे भी अपने आप को दूर रखता है कि भाई नहीं मैं खतरा नहीं मोल ले सकता मैं रिस्क नहीं ले सकता मैं खाम ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिसके नतीजे में मुझे आगे जाकर पछताना पड़े कोई गलती करनी पड़े और बाद में मुझे अफसोस करना पड़े ऐसा कोई काम नहीं करूंगा यह परहेजगारी नबी अलीःातलाम ने कहा तुम्हारे दीन के दर्जों में से सबसे बेहतर दर्जा है प्यारे नबी सल्ह वसलम ने बेही की एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह हुर को नसीहत करते हुए एक बड़ी बात कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन वरعا तकुन अअबुद الناس कुन वरعا तकुन अअबुद الناس तुम परहेजगार बन जाओ तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे यानी तुम्हारी परहेजगारी ही तुम्हारी बंदगी का कमाल है तुम सबसे बड़े अल्लाह के बंदे हो अगर तुम परहेजगार हो कुन वरعا तुम परहेजगार बन जाओ तुम लोगों में सबसे बड़े अल्लाह ताला के सबसे अच्छे बंदे बन जाओगे सुभान अल्लाह

और परहेज जिसकी जिंदगी में नहीं होता हम आम जिंदगी में कहते हैं बोलचाल की जिंदगी में कहते हैं जो आदमी खाने पीने में परहेज नहीं करता वो बीमार जरूर होता है यही मामला जो आदमी अपने मामला में अपने दुनिया के अंदर अपने दीन के अंदर परहेजगार नहीं होता उस आदमी का दीन भी ज़रूर बीमार होता है मुतासर होता है इस हकीक़त को हम और आपको याद रखना चाहिए मैं अपनी गुफ्तु को मुख्तसर करते हुए अल्लाह तला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझको और आपको सही मानों में अल्लाह का परहेज़गार बंदा बनाए। आमीन व आखिर रबालमीन असलम आलकमल वबरक